या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं। अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के चार देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूं। किस लिए किया ये? जिस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से यह अपेक्षा थी कि वो देश में कोरोना मैनेजमेंट करेगी, वो अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार अपनी इमेज बनाने में जुटी हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने हम कहें कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन अपनों की कीमत पे नहीं, अपने लोगों की जान की कीमत पे नहीं करनी चाहिए। जिस समय हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हमारे सारे राज्य वैक्सीन मांग रहे थे और हम कह रहे थे अभी केवल 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उस समय हम 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को दे रहे थे सिर्फ इमेज मैनेजमेंट के लिए। हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज का हवाला दे सकते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कुछ लोग खड़े होंगे केंद्र सरकार के, वो कहेंगे कि साहब इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल सहयोग हमें करना पड़ता है एक दूसरे का, लेकिन इंटरनेशनल सहयोग आज उसी इंटरनेशनल सहयोग में अमेरिका भी आता है, यूरोप के देश भी आते हैं, फ्रांस आता है, बाकी देश आते हैं, कनाडा आता है। आप बताइए किस देश ने अपने लोगों की वैक्सीन काटकर विदेशों को दी? ना अमेरिका ने दी, ना कनाडा ने दी, ना फ्रांस ने दी, ना यूरोप के किसी और देश ने दी। केवल हमारी केंद्र सरकार ऐसी थी जो 93 देशों को अपनी इमेज बनाने के लिए वैक्सीन दे रही थी और हमारे देश में लोग मर रहे थे। यह जघन्य अपराध है, अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत बड़ा अपराध किया है भारत सरकार ने। आज पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है, आज लोग मर रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिल जाए किसी तरह से। दिल्ली में जब से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, जब केंद्र सरकार ने 60 साल के लोगों के लिए किया, हमने बड़ी संख्या में 60 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई। और इसी बीच